श्री कृष्ण मंदिर खतौली के 65वें वार्षिक महोत्सव एवं विशाल संत सम्मेलन का मंदिर के संचालक महंत श्री शांत मुनि माधव व्यास शिवलेकर निदान फाउंडेशन द्वारा शानदार आयोजन किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में दर्शनार्थी और श्रद्धालु मौजूद थे। आइए डालते एक नजर। श्री कृष्ण मंदिर खतौली 65 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक महोत्सव व विशाल संत सम्मेलन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत व पूरे भारत से हजारों संत महंत तपस्विनी एवं वासनिक मौजूद थे। श्री कृष्ण मंदिर खतौली की ओर से पूजनीय महंत श्री कविश्वर कुलाचार्य महंत श्री कारंजेकर बाबा अमरावती इनकी अध्यक्षता में और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत इनकी उपस्थिति में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण मंदिर के 65वें वार्षिक महोत्सव में प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी संत महात्मा पहुंचे। सुबह 8 बजे मंदिर में ध्वजारोहण परम पूजनीय पट्टाधिष्ठित श्री दिवाकर बाबा जी ने किया। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चक्रधर जी के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत पहले मंदिर और इसके बाद समारोह स्थल पर पहुंचे। जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। खतौली मंदिर के संचालक महंत श्री शांत मुनि माधव व्यास शिवलिकर ने अतिथियों का अभिनंदन किया। आरएसएस प्रमुख ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शानदार शुभारंभ किया। प्रस्तावना परम पूज्य ने पट्टाधीश महंत श्री शिवलिकर बाबा ने रखी। श्री कृष्ण मंदिर के संचालक महंत श्री शांत मुनि माधव व्यास शिवलिकर ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट किया। महानुभाव पंथ के संस्थापक श्री चक्रधर स्वामी जी के अवतार कार्य को इस वर्ष 800 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे भारत में भगवान श्री दत्तात्रेय श्री चक्रधर स्वामी जी से संबंधित 1650 पावन तीर्थ स्थान है। विदर्भ, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में आदि में जय श्री कृष्ण महानुभाव पंथ के करोड़ों भक्तगण हैं। 65वें वार्षिक महोत्सव को लेकर श्री कृष्ण मंदिर खतौली की ओर से शानदार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नाटक के माध्यम से मंचन किया। कुरुक्षेत्र के मैदान पर भगवान श्री कृष्ण का संदेश दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान ज्ञान सत्र भी लिया गया, जिसमें सभी राजहंसों ने हजारों लोगों को ज्ञान से परिपूर्ण करने का काम किया। मंच पर परम पूजनीय महंत श्री शिवलिकर बाबा आश्रम पैठन बदनापुर, परम पूजनीय महंत श्री कारंजेकर बाबा अमरावती, परम पूजनीय महंत श्री कोठी बाबा जालना, परम पूजनीय महंत श्री कापूस तल्लीकर बाबा मौजूद रहे और कई मंत्री भी उपस्थित रहे। मंच का शानदार संचालन सोनाली गुप्ता, शरद महात्मा व लोकेश सेठी इन्होंने किया। महानुभाव निष्काम सेवा दिल्ली से संजय आनंद, चंद्र गुलाटी, राजू अरोड़ा, सुरेंद्र बांगिया, गोपाल अरोड़ा, योगेश सेठी भी इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद रहे। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरे भारत से हजारों की संख्या में भक्तगण कार्यक्रम में शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। आरएसएस प्रमुख के दौरे के मद्देनजर यह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। महानुभाव निष्काम सेवा दिल्ली से संजय आनंद, चंद्र गुलाटी, राजू अरोड़ा, सुरेंद्र बांगिया, गोपाल अरोड़ा, योगेश सेठी आदि इस कार्यक्रम में खास तौर पर मौजूद थे। श्री कृष्ण मंदिर खतौली से संजय मिरे, BCN न्यूज नागपुर।